लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। आज की इस वीडियो में जानेंगे कोरोना वायरस का देश में कहर, कितने लोग हुए पीड़ित और कितनों की अब तक मौत। किसानों के लिए बड़ी खबर, आमदनी दोगुनी करने के लिए कृषि मंत्रालय ने 3 बड़े काम शुरू किए। दिल्ली के अस्पतालों में आधे से ज्यादा वेंटिलेटर बेड भरे, गहरा सकता है संकट। जीएसटी रिटर्न्स के लिए आई एसएमएस की सुविधा, 22 लाख कारोबारियों को होगा फायदा। लगातार तीसरे दिन बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम, इन नई कीमतों के साथ मिलेगा तेल। राजस्थान में 144 नए मामले, 5 की मौत, संक्रमितों की संख्या 11,000 के पार। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 15 दिन के अंदर घर भेजे जाएं सभी प्रवासी मजदूर। एक ही परिवार के 26 सदस्यों को हुआ कोरोना, अस्पताल में भर्ती। चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दें। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी, देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 2,67,598 के पार पहुंच चुका है और 7,467 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 1,29,215 लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 3,97,388 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 67,99,713 कंफर्म केस आ चुके हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आंकड़ा और बढ़ गया हो। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस से पैदा हुई स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है। अभी राजधानी में कुल मामले करीब 30,000 के पास हैं। इस बीच अब सरकार ने मान लिया है कि जुलाई के अंत तक दिल्ली में कुल मामले 5 लाख पहुंच सकते हैं। ऐसे में अगर दिल्ली के बेड और वेंटिलेटर की व्यवस्था को देखें तो वो भी डराने वाले आंकड़े ही दिखाते हैं। देश के 20 लाख से ज्यादा छोटे कारोबारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल सरकार ने शून्य मासिक जीएसटी रिटर्न्स भरने वाले कारोबारियों के लिए एसएमएस सेवा शुरू की है। इस सुविधा के तहत सिर्फ मैसेज कर जीएसटी रिटर्न्स की फाइलिंग की जा सकेगी। शून्य रिटर्न्स आगामी महीने की पहली तारीख को 14409 पर एसएमएस कर भेजा जा सकता है। देश में आज फिर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। कंपनियों ने मंगलवार को पेट्रोल की कीमत में 54 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 58 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। अब देश की राजधानी नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 72.46 रुपए से बढ़कर 73 रुपए प्रति लीटर हो गई है। इसी तरह डीजल की कीमत 70.59 रुपए से बढ़कर 71.17 रुपए प्रति लीटर हो गई है। जयपुर के सीएमएचओ डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने बताया कि 7 दिन पहले एक व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाया गया था। हमने मरीज को आइसोलेट कर दिया था और मरीज के परिवार के सभी 26 सदस्यों के नमूने लिए थे। सोमवार रात उनकी रिपोर्ट आई और सभी कोरोना से संक्रमित पाए गए। उन्हें एक अस्पताल में भर्ती किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में जनसंवाद आभासी रैली के जरिए कार्यकर्ताओं और लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने की उपलब्धियां लोगों तक पहुंचाई। साथ ही सीएए, कोरोना संक्रमण और भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले को लेकर सीएम ममता बनर्जी पर जोरदार हमला भी बोला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो गले में खराश और बुखार आने के बाद से होम आइसोलेशन में हैं, आज सुबह ही उनके घर पर कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लिया गया। बताया जा रहा है कि उनका सैंपल लिया जा चुका है और आज रात या कल सुबह तक उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया कि प्रवासी मजदूरों को 15 दिन के अंदर उनके गृह राज्य वापस भेजा जाए। इसके अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्रवासियों के खिलाफ दर्ज लॉकडाउन के आदेशों का उल्लंघन करने वाले सभी मामले वापस लिए जाएं। वर्तमान में लॉकडाउन 5.0 चल रहा है, जिसे अनलॉक 1 का नाम भी दिया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते देश में इससे पहले 4 चरणों का लॉकडाउन पूरा हो चुका है, लेकिन अब पुख्ता सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 1 महीने के अनलॉक के बाद मोदी सरकार सख्त वाला लॉकडाउन फिर से ला सकती है। ये लॉकडाउन 15 से 21 दिनों तक हो सकता है, यानी 30 जून के बाद फिर से एक बार लॉकडाउन लग सकता है, जो लॉकडाउन 1.0 जैसा हो सकता है। कई मंत्रालय और विभागों में कोरोना वायरस के मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने मंगलवार को अपने दफ्तरों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार का कहना है कि एक दिन में 20 से अधिक कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित ना हो। पाकिस्तान में पहली बार एक ही दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण 100 से अधिक मौतें हुई हैं, जिससे देश में संक्रमण से मरने वालों की संख्या 2,172 हो गई, जबकि संक्रमण के 4,646 नए मामले सामने आने से देश में संक्रमितों की संख्या 1,08,317 पहुंच गई है।
लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने भारतीय सीमा के निकट युद्धाभ्यास किया। इस दौरान चीनी वायुसेना ने आर्मी के साथ मिलकर टेक्निकल ड्रिल और युद्ध की परिस्थितियों के बीच अपनी क्षमताओं को परखा। किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए सरकार लगातार नए कदम उठा रही है। बीते दिनों हुए फैसलों के बाद अब कृषि मंत्रालय ने तीन बड़े सुधारों की तरफ काम शुरू किया है। किसान आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर अपनी फसल का ट्रांसपोर्टेशन कर सकेगा। किसान आसानी से अपनी फसल एक मंडी से दूसरी मंडी तक भेज सकेगा। किसानों के लिए क्षेत्रीय भाषा में ई मंडी की तर्ज पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनेंगे। भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां की तबीयत खराब होने के बाद दोनों को दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिंधिया और उनकी मां में कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल दोनों लोगों की हालत सामान्य बताई जा रही है। कभी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट के लिए चीन पर निर्भर रहने वाला भारत आज इस मामले में न सिर्फ आत्मनिर्भर हो गया है बल्कि इसका निर्यात करने की स्थिति में पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी में अवसर को भांपते हुए पीपीई किट बनाने वाले उद्योग से कहा है कि वे इसके ग्लोबल सर्टिफिकेशन की तैयारी करें ताकि इसका निर्यात किया जा सके। तो दोस्तों, ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबर हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर करें। साथ ही आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।